मंगलवार को मथुरा शहर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक समाज के अराजक असामाजिक तत्व के लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरस्वती कुंड मसानी स्थित विभाग कार्यालय पर पथराव करते हुए हमला बोल दिया। हमले में संघ कार्यालय पर मौजूद दो कर्मचारी चुटैल हो गए। हमले की सूचना मिलते ही संघ और भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी संख्या में कार्यालय पर पहुंच गए। पुलिस के आने से पहले ही हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। घटनाक्रम के अनुसार शहर के गोविंद नगर थाना अंतर्गत मसानी क्षेत्र स्थित कल्याण करोती के समीप आरएसएस विभाग कार्यालय केशव धाम है। वर्तमान में यहां निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ दिन से सड़क पर पड़ी निर्माण सामग्री चोरी हो रही थी। सोमवार को लोहे की सरिया चोरी करते हुए एक युवक एके खान को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया था, जिसे पुलिस ने कुछ देर बाद छोड़ दिया। आज साय 4 बजे कई दर्जन युवकों और महिलाओं के साथ युवक कार्यालय पर आया और उसने पथराव करते हुए हमला बोल दिया। इससे वहां मौजूद सोनू और पवन गुजर चोटिल हो गए। उन्होंने घटना की जानकारी संघ और भाजपा के बड़े नेताओं को दी। पुलिस भी सूचना मिलने पर तत्काल पहुंच गई, लेकिन जब तक सभी असामाजिक तत्व वहां से भाग गए। घटना के संबंध में संघ के पदाधिकारी डॉक्टर संजय द्वारा तहरीर दी गई है। मौके पर कंवल कौशिक, अमित जैन, भाजपा महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, राजू यादव, शिव कुमार, बलराम आदि पहुंच गए। आरएसएस के कार्यालय पर हमले की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक दर्जन से अधिक समुदाय के विशेष लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं कार्यालय पर सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। सर बताइए, आरएसएस कार्यालय पर हमला हुआ, क्या देखिए, कल थाना गोविंद नगर की मसानी चौकी क्षेत्र में जहां पर संघ कार्यालय, वहां से सूचना प्राप्त हुई कुछ लोगों द्वारा इकट्ठे होकर के वहां पर पथराव किया गया है। तत्काल मौके पर पुलिस के पहुंचने के बाद वहां पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसकी क्रम में 3 लोगों को जो नामजद हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है। 40 से 50 लोगों अन्य के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस की लगातार दबिशें चल रही हैं। सीसीटीवी की कुछ फुटेजेस भी सामने आई हैं जिससे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में जिसकी भी भूमिका सामने आएगी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त थाने से संबंधित, चौकी से संबंधित एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को लापरवाही बरतने के चलते उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अभी इस समय पर मौके पर पुलिस बल मौजूद है, वहाँ पर शांति है और किसी प्रकार की कोई समस्या भी सामने नहीं आ रही है। आने वाले दिनों में इसमें सूचना एकत्रित करके इन्वेस्टिगेशन के क्रम में और भी जो चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एहतियात के तौर पर क्या कदम अभी आपने उठाया? देखिए, वहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, लगातार हमारे पदाधिकारियों से भी बात चल रही है। इसी समय पर वहाँ पर शांति है और आने वाले दिनों में वहाँ पर शांति बरकरार रहे, इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। थैंक यू। विधायक जी, जिस तरह से आरएसएस कार्यालय पर हमला हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिएगा, सोमवार को हमारे आरएसएस जनपद मथुरा में आरएसएस का कार्यालय मसानी पर कल्याण करोती के पीछे, हमारे संघ कार्यालय पर निर्माण का कार्य चल रहा है। उसमें निर्माण कार्य में जो सामग्री होती है, सरिया, लोहा, गिट्टी, सीमेंट, वो सब वहाँ पर रखा रहता है। सोमवार को 2 लोगों को सरिया चोरी करते हुए ले जाते हुए संघ कार्यालय पकड़ लिया, पुलिस के हैंड ओवर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने क्या किया, छोड़ा रखा, बालिग ना बालिग, वो एक अलग विषय है, उसको इतना गंभीरता नहीं। लेकिन जो कल हुआ, एक समुदाय विशेष के 40-50 लोग इकट्ठे होकर जिस तरह से हमारे संघ कार्यालय पर हमला किया है, मारपीट की है, हमारे जो वहाँ पर अध्ययनरत विद्यार्थी थे उनके साथ चोटें पहुँचा कर हैंडलिंग करके इकट्ठे होकर समूह बनाकर जिस तरह इकट्ठे किया, वो बहुत ही निंदनीय है। इस तरह का कोई भी हमारे संवैधानिक में कोई इस तरह का स्थान नहीं है। अगर वर्ग विशेष के आदमी इस तरह के करते उसका जवाब भी हम दे सकते थे, लेकिन हमारी सरकार है, हमारे संघ कार्यालय पर सचेत उन्होंने किया है। हम अपने कोई भी कानून हाथ में लेना नहीं चाहते, तुरंत पुलिस को खबर किया गया और उनमें से जो एक वर्ग विशेष के इकट्ठे होकर आए थे, संघ कार्यालय पर उन्होंने ये कृत्य किया, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है।
अगर इसका जवाब हम देते तो क्या स्थिति हो सकती थी भविष्य में, आप सोच सकते हैं। लेकिन हमारे संघ कार्यालय में, हमारे आरएसएस में इस तरह का आचरण ना करके जो जो कुछ हुआ है उसके लिए हमने जिला प्रशासन के सब संज्ञान में, उसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन ये जरूर चाहेंगे आपके चैनल से, आपके माध्यम से, कि इस तरह की बातों का, इस तरह के कृत्य का कहीं भी कोई हिंदुस्तान में स्थान नहीं है। वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा ये किसकी सह पे किया, ये जांच का विषय है। इसमें जरूर अपेक्षा करेंगे कि ये सारा मामला खुलना चाहिए, जो दूसरे दिन आकर समूह बनाकर 40-50 की संख्या में और लेडीज को लेकर, जेंट्स को लेकर आरएसएस कार्यालय पर ये जो हमला किया गया है, इसके लिए चाहे हमारा प्रशासन, चाहे हम आप लोग, इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसकी रोकथाम की जानी चाहिए और जो लोग इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी है, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कार्यालय कर्मचारियों ने जो चोर थे उन्हें पकड़ के पुलिस को सौंप दिया था, तो कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें लापरवाही रही है, उन्हें छोड़ दिया गया। देखिएगा, मैंने वही कहा, वो एक चोर छोड़ दिया, पकड़ लिया, वो एक अलग स्टेप है, वो हुआ, वो तो होना ही होना, करना उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। लेकिन जो कल मंगलवार को एक समूह बनाकर इकट्ठे होकर 40-50 की संख्या में उन्होंने जो किया, वो सबसे ज्यादा निंदनीय है, वो सबसे घोर अपराध है। इस तरह का कोई भी स्थान हमारे संविधान में नहीं है। एक समूह विशेष होकर एक इस तरह से हमला करना, इकट्ठे होकर, ये बहुत आपत्तिजनक है। वो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो तो किया है सोमवार को, जो हुआ छोड़ दिया, पकड़ लिया, बालिग ना बालिग, लेकिन जो कल जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है।